दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए लॉकडाउन का तीसरा फेज 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पिछले 40 दिनों के जारी लॉकडाउन के चलते कई कंपनियां और संस्थानों में छंटनी और सैलरी कटौती की खबरें भी सबके सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर इसी बीच एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि सरकार युवाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना शुरू की है। इसके तहत सरकार सभी राशन कार्ड धारकों को 50,000 रुपये का राहत पैकेज देने की घोषणा भी की है। तो आइए जानते हैं आखिर इसकी सच्चाई क्या है। वायरल मैसेज में ये दावा किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार के तहत भारत के वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, किसानों, दैनिक मजदूरों, बेरोजगारों और सभी राशन कार्ड धारकों को पैसे मिलेंगे। ये स्कीम पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध है और ये सिर्फ पहले 40,000 आवेदकों को इसका फ़ायदा मिलेगा। भारत सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB ने इस खबर को महज एक अफवाह बताया है। PIB फैक्ट चेक के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट में लिखा है कि जा रहा है कि सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षित बेरोजगार योजना शुरू की है, जिसमें सभी राशन कार्ड धारकों को 50,000 रुपये का राहत पैकेज मिलेगा। PIB फैक्ट चेक में ये खबर गलत निकली। भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना लॉन्च नहीं की गई है। इस तरह की फेक साइट से सावधान रहें और फ्रॉड साइट्स आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जुटा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और साथ ही हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।